अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। मैं एक SEO गया हूँ और SEO ब्लॉगिंग और स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। और ऑफिशियली मैं सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं कर रहा SEO की, लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चले स्टार्ट करते हैं कि क्यों मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और मेरा असल में मकसद क्या है। तो बेसिकली मेरे कुछ दोस्त और कुछ ऐसे लोग जो मुझे जानते नहीं, लेकिन वो मुझसे आके पूछते हैं कि यार हमने काम स्टार्ट करना है, हम चाहते हैं कि हम भी SEO स्टार्ट करें या ऑनलाइन काम स्टार्ट करें। कुछ लोगों को पता नहीं होता बिल्कुल कि इस फील्ड में होता क्या है बेसिकली। उनको जस्ट ये पता है कि ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन पैसा कमाना, तो वो कैसे कमाए। अच्छा, और कुछ लोग जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। अच्छा, स्टार्ट हम SEO के बारे में जानते हैं कि वो जो मेरे दोस्त क्वेश्चंस करते थे उनको काफ़ी इश्यूज आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पूरी प्लेलिस्ट या और उन अलग से एक और प्लेलिस्ट जिसमें उन इश्यूज के बारे में बात करूं जो कि कॉमन इश्यूज हैं और न्यूबीज या जो स्टार्टर हैं SEO में वो लोग फेस करते हैं। तो क्यों ना उसके बारे में एक पूरा डाटा जो है यूट्यूब पे और भी बड़ा डाटा पड़ा है, बट एक बिल्कुल ईजी वे और फुली प्रैक्टिकली मैं उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर लूँ। तो इसलिए मैंने अपने कुछ टीचर्स और दोस्तों से, लाइक स्पेशली जवाद शाह, उससे मैंने डिस्कस किया कि यार ये सीन है। उसने मुझे कहा कि आप यूट्यूब स्टार्ट करो या फेसबुक पे आप जो है ना वो ये काम करना स्टार्ट कर दो, मीन्स वीडियोस की शक्ल में या आर्टिकल्स की शक्ल में। तो मैंने फिर पोस्ट की फेसबुक पे के कौन सा मेथड जो है वो बेटर है, यूट्यूब या सॉरी वीडियोज़ या आर्टिकल्स। तो सब ने कहा वीडियोज़, क्योंकि उसमें सारा कुछ प्रैक्टिकली हो रहा होता है, तो ये एक ईजी वे है अंडरस्टैंड करने का इश्यूज़ को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि SEO होती क्या है। SEO, जैसा कि SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स सर्च इंजन्स के लिए वेबसाइट को, या बेसिकली हम इधर वेबसाइट की SEO की बात कर रहे हैं तो हम वेबसाइट के बारे में ही बात करेंगे। सर्च इंजन्स के लिए किसी वेबसाइट को, कंटेंट को, आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना कि वो रैंक करे, ये होती है SEO। ठीक है, उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ करना SEO। अच्छा, अब इसमें SEO की टाइप्स होती हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें टेक्निकल SEO आ जाती है। सर, सबसे पहले टेक्निकल SEO, सेकंड में इधर में लिख देता हूँ, सबसे पहले आ जाती है टेक्निकल SEO और सेकंड आ जाती है ऑन पेज SEO और थर्ड में ऑफ पेज SEO। टेक्निकल SEO क्या होती है? टेक्निकल SEO, इसमें जो साइट के टेक्निकल पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। लाइक जब हम साइट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम साइट क्रिएशन का करते हैं। ठीक है, साइट क्रिएट करने के बाद उसको हम वेब मास्टर्स में सबमिट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेब मास्टर्स हैं, उसमें आप लाइक गूगल आ गया, याहू आ गया, बिंग आ गया। ठीक है, उनमें वेबसाइट को सबमिट करते हैं ताकि वो सर्च में आए। और उसके बाद हम इसमें साइट को कस्टमाइज़ करते हैं और आगे आ जाता है कि साइट का जो साइट मैप होता है, साइट मैप के बाद उसको ये देखना कि वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, और फिर ये देखना कि वो HTTPS है या सिक्योर है या अनसिक्योर है, और फिर उसकी जो report.txt फाइल्स को चेक करना कि वो कैसे हैं, लाइक उसमें सर्च इंजन को डिसअलाउ तो नहीं किया हुआ,
ये चीज़ें सेट्स करना हमारी टेक्निकल एसईओ में आता है सारा कुछ, और पेज स्पीड भी इसी में आ जाता है, हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या है, और ये सारा कुछ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको प्रॉपरली वीडियोस में, और ये भी हम सारा कुछ प्रॉपरली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑफ पेज, ऑफ पेज क्या होता है, ऑफ पेज मैं इधर शॉर्ट इंट्रो दूंगा सारी चीज़ों का, ताकि हम इसको नेक्स्ट जो है वो लेके चलें डिटेल में और प्रैक्टिकली फुली। अच्छा, ऑफ पेज क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ हम किसी दूसरी साइट से अपनी साइट के लिए लिंक लेते हैं, अपनी साइट के लिए वॉट लेते हैं। अब इसमें भी दो तरह के लिंक्स होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो, और मज़ीद इसकी टाइप्स की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ कि दो तरह के लिंक्स होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो में फ़र्क क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और लिंक्स की टाइप्स कितनी है ऑफ पेज में वो भी डिस्कस करेंगे, इनको क्रिएट कैसे करना है वो भी करेंगे। ठीक है, चलें जी, रोड मैप, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो रोड मैप है। रोड मैप, हमने एसईओ फील्ड जो है वो चीज़ चूज़ कर ली फॉर एग्जांपल। अब एसईओ में हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको स्टार्ट किधर से लेना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते हैं सबसे पहले हम वेबसाइट बना लें और फिर हम जाके अपना टॉपिक सेलेक्ट करें, ये अगर कर सकते हैं बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं मैंने देखा है खुद, वो वेबसाइट डोमेन होस्टिंग पहले लेके फिरते हैं और फिर वो सोच रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि यार हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। उनको उनको इतना नहीं पता होता कि सबसे पहले हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना डोमेन नेम लेते हैं, और फिर जो हमारा कंटेंट है वो अपलोड करते हैं। कंटेंट की भी रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड सर्च, जिन पे हम कंटेंट राइट करते हैं, आर्टिकल राइट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रोड मैप एक कंप्लीट सीक्वेंस से चलेंगे कि करना क्या है, स्टार्ट में क्या करना है और एंड पे क्या करना है। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं नीच रिसर्च से, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो नीच रिसर्च का होता है, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक होना ज़रूरी है जिस पे हम साइट बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप साइट बना तो लेंगे लेकिन आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है साइट को, ये रैंकिंग का एक बड़ा फैक्टर है कि आप एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाएं, एक रिवर्स कंप्लीट रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि मैंने करना क्या है बेसिकली, ये आपने पहले सोचा हो। तो इंशाल्लाह इस प्ले लिस्ट में न्यूबीज़ के लिए स्पेशली एक पूरा रोड मैप जो है वो उनको एक पूरा रोड मैप मिलेगा, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा उनको, ताकि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आगे हम चलते हैं टू वेज ऑफ अर्निंग। अच्छा जी, ब्लॉगिंग में देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब इसमें हमें 1 साल, 6 मंथ इतना वेट करना पड़ता है, लेकिन इस ब्लॉगिंग के थ्रू हम क्विक वे से भी अर्निंग कर सकते हैं, लाइक विद इन मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स हम अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो हमने डिस्कस करना, और स्पेशली ये डिस्कस करना है हमने, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यार बस करें, बस अग्नि पैसे आए, लेकिन मेन चीज़ आपकी ये होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आए हैं और ये सोच के आए हैं कि मैं बस 2 4 दिन में पैसे कमा लूँगा या एक रात में अमीर हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी फील्ड में चले जाएँ टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आप में कंसिस्टेंसी भी होना ज़रूरी है कि आप काम छोड़े ना, गिव अप नहीं करना कभी आपने। लेकिन आपको इंशाल्लाह ये भी प्रोवाइड मेथड प्रोवाइड किया जाएगा कि क्विक वे में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप में पेशेंस होनी चाहिए कि यार टाइम लगेगा, ये चीज़ होना ज़रूरी है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस ये ओवरव्यू देना था मैंने ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, जो लोग बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में
उनको पता हो कि ये चीज़ें हैं क्या, हम क्यों कर रहे हैं। और इसका स्कोप वैसे मैंने डिस्कस नहीं किया, करना चाहिए था कि इसका स्कोप क्या है और इसको क्या हम एज अ कैरियर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, और इसका स्कोप आजकल देखा जाए तो हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ, SEO मस्त है, बहुत ज़रूरी है SEO। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी निच रिसर्च, एफिलिएट निच रिसर्च, जिसमें हम इंशाल्लाह बिल्कुल एक इजी मेथड करेंगे डिस्कस, जिससे आप विद इन फ्यू मिनट्स आप एक अच्छी निच फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल निच फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।